गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसके पार्ट फर्स्ट को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, वंशागति के अध्ययन हेतु गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणसूत्र ही जीन्स के वाहक होते हैं, क्योंकि जीन्स जो है वो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं। जीन्स गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य संपन्न करते हैं, तथा यह स्पष्ट करते हैं कि सामान्यतया गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो प्राणियों के समस्त कोशिकाओं में विद्यमान रहते हैं, एलिंगी या ऑटोसोम्स या देहिक गुणसूत्र, इनको कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। तो एलिंगी गुणसूत्र सामान्यतः कायिक गुणों के प्रति या देहिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं इनके नियंत्रणकारी होते हैं, जबकि लिंगी गुणसूत्र, जिनको हम एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ये किसी भी प्राणी के लिंग गुणों को या लिंगी गुणों को नियंत्रित कर उनके प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं। इतनी स्पष्टता होने पर भी प्रकृति में कुछ कायिक गुणों के नियंत्रणकारी जीनों का अध्ययन लिंगी गुणसूत्रों के माध्यम से ही किया गया है, क्योंकि इन विशिष्ट कायिक गुणों के जीन्स लिंगी गुणसूत्रों पर भी स्थित होते हैं। लिंगीय गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित विशिष्ट कायिक लक्षणों की वंशागति ही लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाती है। इस विशेष प्रकार की वंशागति का प्रदर्शन सर्वप्रथम थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने 1910 में फल मक्खी फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते, में किया था। देखिए, लिंग संलग्न वंशागति यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के निम्नलिखित सामान्य तथ्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम उनका अध्ययन करते हैं। पहला, लिंगी गुणसूत्रों पर अवस्थित जीनों द्वारा नियंत्रित कायिक गुण या कायिक लक्षण लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। दूसरा, लिंग संलग्न जीन यानी गुण मात्र एक लिंगी गुणसूत्र पर या समस्त लिंगीय गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं, यानी मात्र एक्स गुणसूत्र पर या फिर वाई गुणसूत्र पर या तो दोनों एक्स और वाई गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। तीसरा, लिंग संलग्न गुण सदा संबंधित लिंग में ही अपनी वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। चौथा, अधिकांश लिंग संलग्न लक्षण अप्रभावी या रेसेसिव भूमिका का निर्वहन करते हैं। पांचवा, यह भी माना जाता है कि लिंग संलग्न गुण स्त्री लिंगों की अपेक्षा सामान्यतः पुल्लिंगों में अधिक देखे और अध्ययन किए जा सकते हैं। छठा, लिंग संलग्न जीन प्रमुख रूप से एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, किंतु इनके युग्म विकल्पी वाई गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते हैं। सातवा, लिंग संलग्न लक्षण या गुण पिता से पौत्र में पुत्रियों के द्वारा संचरित होते हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि लिंग संलग्न वंशागति का पथ सीधा नवगत टेडा मोडा यानी क्रिस क्रॉस होता है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या टेडी मेडी वंशागति के नाम से भी जानते हैं। लिंग संलग्न वंशागति के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग संलग्न वंशागति का अध्ययन की सुगमता हेतु दो निम्नलिखित आधारों पर इसको बांटा गया है। पहला, गुणसूत्रीय आधार पर, दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर। पहला, गुणसूत्रीय आधार पर लिंग संलग्न वंशागति के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं। पहला, पूर्ण लिंग संलग्न वंशागति कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दूसरा, अपूर्ण लिंग संलग्न वंशागति इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तीसरा, एक्स संलग्न वंशागति एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और चौथा है वाई संलग्न वंशागति वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और पांचवा है एक्स वाई संलग्न वंशागति एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहला नंबर देखिए, पूर्ण लिंग संलग्न वंशागति कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंगीय गुणसूत्र एक्स तथा वाई समान नहीं होते। एक्स गुणसूत्र बड़ा तथा सीधा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा एवं वक्रित यानी कि मुड़ा हुआ सिरे वाला होता है। इन दोनों ही गुणसूत्रों का पश्चिम भाग समान होने के कारण यह भाग समजात क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के बाकी बचे हुए भागों के क्षेत्र को हम असमजात
और अर्थात नॉन होमोलोगस एंड भिन्नित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये भिन्न होता है। दोनों गुणसूत्रों के इन क्षेत्रों में समान प्रकार के जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं। असमजात क्षेत्रों में उपस्थित जीन एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। कारण है कि इन क्षेत्रों में जीन विनिमय नहीं होता है, जो है जीनों का विनिमय यहाँ नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया यहाँ देखने को नहीं मिलती। अतः लिंगी गुणसूत्रों के असमजात क्षेत्रों पर अवस्थित जीन जो है पूर्ण लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं। ये पूर्ण लिंग संलग्न अनुवांशिकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा सामान्यतः हीमोफीलिया और वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आदि रोगों में देखने को मिलता है। अपूर्ण लिंग संलग्न वंशागति, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंगीय गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों में अवस्थित जीन्स एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। कारण है कि इन क्षेत्रों में जीन विनिमय हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अतः लिंगीय गुणसूत्रों के समजात क्षेत्रों के जीन अपूर्ण लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं तथा ये अपूर्ण लिंग संलग्न अनुवांशिकता को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है एक्स संलग्न वंशागति, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अनेक लिंग संलग्न जीन मात्र एक्स लिंगी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा इनके युग्म विकल्पी एलील वाई लिंगी गुणसूत्र में अनुपस्थित होते हैं। ये जीन एक्स संलग्न जीन कहे जाते हैं। इन जीनों द्वारा नियंत्रित गुण एक्स संलग्न गुण कहलाते हैं तथा वंशागति इनकी एक्स संलग्न वंशागति के नाम से ही जानी जाती है। इनमें वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फलमक्खी के आँखों का रंग आदि गुणों का अध्ययन किया गया है। अगला है वाई संलग्न वंशागति, लिंग संलग्न जीन जो मात्र वाई गुणसूत्र पर भी अवस्थित होते हैं, वाई संलग्न जीन कहे जाते हैं। ये नरों तक ही सीमित होकर रहते हैं, मादाओं में नहीं होते हैं। इन्हें होलोएंड्रिक जीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिता से पुत्र में और पुत्र से पौत्र में जाते हैं। इनका संचरण पिता से पुत्रों में सीधा होता है। इनकी वंशागति वाई संलग्न वंशागति के नाम से जानी जाती है। इसके उदाहरण है हाइपरट्राइकोसिस अर्थात कानों पर बालों का होना, कर्ण पल्लों पर बालों का होना, हेयर्स का होना, वह इक्थियोसिस स्ट्रिक्स। हाइपरट्राइकोसिस में बाह्य कर्णपल्लों पर रोम गुच्छ पाए जाते हैं, जबकि इक्थियोसिस स्ट्रिक्स में शरीर पर शल्कों की उपस्थिति देखने को मिलती है। अगला प्रकार है एक्स वाई संलग्न वंशागति, एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो लिंग संलग्न जीन दोनों ही एक्स और वाई लिंगीय गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उन्हें एक्स वाई संलग्न जीन्स कहते हैं तथा इनकी वंशागति एक्स वाई संलग्न वंशागति कही जाती है। इसके उदाहरण है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, नेफ्राइटिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आदि। पहला देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के आधार पर भी हम लिंग संलग्न वंशागति के कुछ प्रकारों को बांट सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का वहन भी कई प्रकारों से हो सकता है। इसी क्रम में लिंग संलग्न वंशागति भी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों या लक्षणों के वहन हेतु अनेक प्रकारों का सहारा लेती है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला डाइजेनिक, इस प्रकार के गुणों का वहन पिता से पुत्र में पुत्री के माध्यम से होता है, इसे डाइजेनिक लिंग संलग्नता, डाइजेनिक सेक्स लिंकेज कहते हैं। अर्थात मेल टू फीमेल और वापस मेल के अंदर। डाइएंड्रिक, इसके अंतर्गत गुण माता से पोत्री में पुत्र के माध्यम से संचारित होते हैं, यह डाइएंड्रिक लिंग संलग्नता कहलाती है, जिसके अंदर फीमेल फिर मेल और फिर फीमेल में जाता है। उसके अलावा है होलोजेनिक, जब गुणों का संचरण है ना मादा से मादा में फीमेल टू फीमेल होता है, तो ये होलोजेनिक यानी कि माता से पुत्री में और पुत्री से दोहित्री में, सॉरी माता से पुत्री में और पुत्री से दोहित्री में जाता है, उसे होलोजेनिक कहते हैं, यानी फीमेल टू फीमेल, फीमेल से फीमेल में जाता है। होलोएंड्रिक, इस प्रकार के अंतर्गत गुणों लक्षणों का संचरण नरों से नरों में जाता है, मेल टू मेल यानी पिता से पुत्र में और पुत्र से पौत्र में होता है, इसे होलोएंड्रिक जीन संलग्नता या होलोएंड्रिक सेक्स लिंकेज के नाम से हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं लिंग संलग्नता की क्रियाविधि के प्रकार, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स लिंकेज। लिंगीय गुणसूत्रों के माध्यम से गुणों के नर एवं मादा में संबंध की क्रियाविधि निम्नांकित दो प्रकार की होती है। पहला फलमक्खी का प्रकार ड्रोसोफिला टाइप, इस प्रकार की संलग्नता में विषम युग्मकी एक्स वाई नर एवं सम युग्मकी एक्स एक्स मादा की सहभागिता देखने को मिलती है। इसके अच्छे उदाहरण ड्रोसोफिला और मनुष्य हैं। दूसरा है एब्रोक्सिस प्रकार, एब्रोक्सिस टाइप, इस प्रकार में क्या होता है, यह पहले प्रकार का पूर्णतः विपरीत होता है,
जो हमने फल ड्रोसोफिला टाइप पढ़ा उसका बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें नर सामान्यतः समयुग्मकी होते हैं जेड जेड एवं मादा विषमयुग्मकी जेड डब्ल्यू होती है। यह मुर्गों में और शल्भों में ऐसा देखने को मिलता है, पक्षियों में देखने को मिलता है। मनुष्य में लिंग संलग्नता के बात करें, सेक्स लिंकेज इन मेन, मनुष्य जाति के प्राणियों में अनेक लिंग संलग्न रोग ज्ञात किए गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक्स गुणसूत्र के माध्यम से वंशागति प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। पहला हीमोफीलिया, इसमें रक्त स्कंदन क्षमता की अनुपस्थिति देखी गई है, एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्लॉटिंग ब्लड। दूसरा वर्णांधता, विशिष्ट रंगों को पहचानने में असमर्थता, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्टिकुलर्स कलर, सामान्यतया ग्रीन एंड रेड कलर्स की होती है ये वर्णांधता। फिर है ऑप्टिकेट्रोफी या द्रक विहीनता, ऑप्टिकेट्रोफी द्रक तंत्रिका का खराब हो जाना, डिजनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। और चौथा है रोम विहीनता, हेयरलेसनेस, शरीर पर बालों या रोमों का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ हेयर्स। फिर है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखना, शॉर्ट साइटेडनेस। फिर है जुवेनाइल ग्लूकोमा, जुवेनाइल ग्लूकोमा में नेत्र गोलक का कठोर हो जाता है, हार्डनेस ऑफ आई बॉल। जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कुछ पेशियां खराब हो जाती है, डिजनरेशन ऑफ सर्टेन मसल्स। फिर है डायास्टिचियसिस, दो दो बरौनियों का होना, डबल आई लेसेज। अगला है मिट्रल स्टिनोसिस, हृदय के मिट्रल का पार्ट का असामान्य होना, एबनॉर्मलिटी इन मिट्रल वाल्व ऑफ हार्ट। और माई स्टेगमम, यह तो है नेत्र गोलक का अनैच्छिक डोलना, इनवॉलेंट्री ओसिलेशन ऑफ द आई बॉल। मानव के उल्लिखित प्रमुख रोगों में से पाठ्यक्रम में हीमोफीलिया एम वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस ही होने से इन्हीं रोगों का वर्णन आगे किया जा रहा है। सामान्यतया केवल दो ही जो है रोग हैं, हीमोफीलिया और वर्णांता, जो हमारे कोर्स में हैं। सबसे पहले हम हीमोफीलिया देख रहे हैं। हीमोफीलिया में देखिए, इसे सामान्य भाषा में हम ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक आनुवांशिक रक्त से रिलेटेड रोग है जिसे जॉन कोटो नामक वैज्ञानिक ने 1803 में खोजा था। इसमें हीमोफीलिया की वंशागति बता रखी है जिसमें रोगी पुरुष और सामान्य स्त्री। इसमें हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पे होता है, इसलिए सामान्यतया स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। स्त्रियों में ये रोग तभी हो सकता है जब उनके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन हो। ऐसा सामान्यतया कम देखने को मिलता है, न के बराबर देखने को मिलता है, जबकि पुरुषों में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र होता है तो जो जिस पे हीमोफीलिया का जीन होने पर पुरुष रोगी होते हैं। तो हीमोफीलिक पुरुष है जिसके एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, जब इसका विवाह सामान्य स्त्री से किया जाता है तो इसकी होने वाली जो संतान है उसमें 50% जो है पुत्रियाँ, 100% जो पुत्रियां हैं वह रोगवाहक होंगी, जबकि सारे के सारे 100% पुत्र हैं वो जो है स्वस्थ होंगे। हीमोफीलिया की वंशागति सामान्य पुरुष और रोगवाहक स्त्री के मध्य क्रॉस देखिए। सामान्य पुरुष जिसका जीनोटाइप एक्स वाई है, वाहक स्त्री जिसके एक एक्स गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया का जीन है, इनके मध्य जब विवाह संबंध होते हैं, क्रॉस होता है, तो देखिए आप इसमें क्या होगा, जब पुरुष सामान्य है स्त्री वाहक है तो 50% जो है पुत्रियां वाहक रोगवाहक पुत्रियाँ होंगी, जबकि 50% पुत्रियाँ सामान्य होंगी। इसी प्रकार 50% पुत्र हीमोफीलिक होंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे, जबकि 50% पुत्र सामान्य होंगे। रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले रक्त के एंटी हीमोफीलिक ग्लोबुलिन
नामक रक्त कारक जो कि फैक्टर 8 होता है कि अनुपस्थिति के कारण इनमें रक्त स्पंदन या रक्त के थक्का जमने की क्रिया विलंबित हो जाती है, बढ़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का थक्का लगभग 2 से 8 मिनट में जम जाता है, किंतु तो हीमोफिलिक रोगी में रक्त का स्पंदन समय बढ़कर 20 मिनट से 24 घंटे तक भी हो सकता है। फलस्वरूप हीमोफिलिक रोगी के घाव से रक्त प्रवाह नहीं रुकता है, इसी कारण से ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। सबसे पहले ये रोग इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया में ये रोग उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ था और उसकी संततियों में ये वंशागत हुआ, अतः वहाँ के राज परिवार में साधारण रूप से ये पाया जाता है। राज परिवार संबंधित होने के कारण इसे राजरोग या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया लिंग संलग्न प्रभावी लक्षण है जिसके जीन एक्स गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। अन्य लिंग संलग्न गुणों की भांति ये नरों में स्पष्ट रोगकारी व साधारण रूप से उपस्थित होता है, जबकि स्त्रियां या नारियां में ये बिरले ही हो सकता है। स्त्रियों में केवल इसी तभी हो सकता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया का जीन हो, जो कि सामान्यतः नहीं देखने को मिलता। स्त्री इस रोग की वाहक होती है, रोगी नहीं होती है। हीमोफीलिया पीढ़ी दर पीढ़ी टेढ़े मेढ़े आनुवंशिक पथ का अनुसरण करता है, यानी इसकी वंशागति पिता से पुत्र में पुत्री के माध्यम से ही होती है। सामान्यतः हीमोफीलिक रोगी की जन्मावस्था तक पहुंचने के पूर्व ही रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वयस्क होने तक ऐसा अवसर सामान्यतः आ ही जाते हैं। जब रक्तस्राव किसी न किसी अवस्था के कारण से अधिक हो जाता है तो स्पंदन क्लॉटिंग विलंबित होने के कारण ये रक्त रुकता नहीं, तो सामान्यतया एक्सीडेंटल स्थिति में इनका बचना अत्यंत मुश्किल होता है। इस रोग के प्रभावी जीन को स्मॉल एचएच से प्रदर्शित किया जाता है तथा सामान्य अवस्था के प्रभावी जीन को कैपिटल एचएच से निरूपित करते हैं। इसकी वंशागति जो है देखते हैं, जनक पेरेंट्स में देखिए माता XX जो कि सामान्य है, पिता XY जो कि हीमोफीलिक है। तो जब पिता हीमोफीलिक है माता सामान्य है, तो इसकी होने वाली जितनी भी संतानें होंगी उसके अंदर इनकी पुत्रियां रोगवाहक होंगी, जबकि इनके पुत्र पूर्णतया सामान्य होंगे। तो 100% पुत्र सामान्य होंगे जबकि 100% पुत्रियां इनके रोगवाहक होंगी। प्रथम पीढ़ी की वाहक नारी का विवाह अगर सामान्य नर से होता है तो इसमें देखिए नारी वाहक है, जबकि जो पुरुष है या नर है वो सामान्य नर है। तो ऐसी स्थिति में जो है होने वाली जो संतानें हैं उसके अंदर 50% जो है पुत्रियां जो होंगी वो वाहक होंगी, जबकि 50% पुत्रियां सामान्य होंगी, जबकि 50% पुत्र सामान्य होंगे और 50% पुत्र हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगे। थैंक यू।